नमस्कार, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। मोहक शेफला आप टेक्निकल एपिसोड चैनल, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ब्लैक क्लिक कर दीजिए। IRCTC ई वॉलेट में पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं IRCTC से, तो IRCTC ई वॉलेट में पैसे होने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे ट्रेन टिकट बुक करते समय जब पेमेंट करते हैं, तो ज़्यादातर लोग UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। अब इन सभी से पेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण कई बार ट्रेन टिकट बुक नहीं हो पाता है और पैसे वॉलेट से कट जाते हैं, यानी कि पैसे कट जाते हैं। अब ये पैसे तो रिफंड हो जाते हैं, लेकिन इसे रिफंड होने में 3 से 5 दिन लग जाता है। और अगर तत्काल कोटा का टिकट बुक करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि मिनटों में तत्काल टिकट खत्म हो जाते हैं। तो जो फास्ट तरीके से बुक करता है, बहुत ही फास्ट पेमेंट वगैरह करता है, उसी का तत्काल टिकट बुक हो पाता है। अगर तत्काल टिकट बुक करते समय आप UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो काफ़ी समय लगता है, जिसके कारण तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाता है। अगर आप IRCTC ई वॉलेट में पहले से पैसे डालकर रखेंगे और पेमेंट करते समय ई वॉलेट सिलेक्ट करेंगे, तो आपका फटाफट जो है पेमेंट हो जाएगा और तत्काल टिकट भी बुक हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि पैसे कट गए और टिकट नहीं बुक हुआ, तो आपका पैसा भी तुरंत वॉलेट में रिफंड हो जाता है। तो IRCTC ई वॉलेट के बहुत सारे फायदे हैं। IRCTC ई वॉलेट में आप पैसे डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको गूगल पे IRCTC.co.in वेबसाइट को सर्च करना है। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप में। आपके सामने कुछ इस तरह आएगा, यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में 4 लाइनें बनी है, उस पर सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ 4 लाइनों पर मैं क्लिक करता हूँ ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन का बटन मिल रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन करना होगा। अब अपना IRCTC का यूजर ID और IRCTC का पासवर्ड डाल के, और यहाँ पे फिर कैप्चा डाल के साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर लेते हैं। साइन इन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाता है। अब यहाँ राइट साइड में एक बेल आइकन के साथ में प्रोफाइल का आइकन है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, पूरा आपको लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो हमारे एंड तक जरूर देखें। एंड तक नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगा। अब सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह आएगा, यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आधार KYC लिखा हुआ है हमारे इस पर, और आधार KYC वेरीफाइड है। तो हमने आधार KYC वेरीफाइड किया हुआ है। अब आधार का KYC वेरीफाई कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है पूरा प्रोसेस कि ई वॉलेट का आधार KYC करते कैसे करते हैं और IRCTC ई वॉलेट एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो वो वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे बताते हैं पैसे डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो IRCTC ई वॉलेट दूसरे नंबर पे लास्ट में मतलब, और यहाँ लिखा है डिपॉजिट, सिंपली डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। अब डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से आता है। यहाँ देखिए हमारे इसमें क्लोजिंग बैलेंस 70 रुपये 45 पैसे हैं। यहाँ डिपॉजिट अमाउंट में आएंगे, और जितने भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने वॉलेट में, वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ देखिए मिनिमम 100 रुपये डाल सकते हैं, मैक्सिमम आपका लिमिट कुछ और होगा, हमारा यहाँ पे 9,929 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, 530 रुपये में डिपॉजिट कर रहा हूँ वॉलेट में, क्योंकि मेरा 70 रुपये पहले से है और लगभग 550 का टिकट जो मैं बुक करना चाहता हूँ तत्काल में। अब यहाँ पे कंफर्म कर देंगे वही अमाउंट, और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पहले यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे किससे पेमेंट करना चाहते हैं, भीम UPI या फिर नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हम UPI सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। दोबारा यहाँ पर हम पे यूजिंग भीम UPI सिलेक्ट करते हैं, नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अगर पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो सिंपली मोबाइल नंबर, वो पेटीएम वाला मोबाइल नंबर डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। अदर UPI जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे वगैरह, तो यहाँ पे UPI ID डालेंगे। अब यहाँ पे हम अपना फ़ोन पे का UPI ID डालेंगे, वेरीफाई BPA पर क्लिक करेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे पे का ऑप्शन है, सिंपली पे पर क्लिक करेंगे, अमाउंट लिखा है हमारा। अब ये रिक्वेस्ट जाएगा फ़ोन पे पे, अब हमारी रिक्वेस्ट आ चुका है फ़ोन पे पर, मैं यहाँ से अपना जो है इसको पे कर देता हूँ अपना पिन डाल के। पेमेंट होते ही यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ जाता है, पेमेंट 530 रुपये का सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम बैक आ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे IRCTC के, और यहाँ से हम IRCTC एक्सक्लूसिव पर क्लिक करेंगे, IRCTC ई वॉलेट पर क्लिक करेंगे दोबारा से, और यहाँ अपना वॉलेट में पैसे देखेंगे कि हमारे वॉलेट में आया पैसा या नहीं आया। यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट पर क्लिक कर देते हैं।
तो IRCTC ये वाले डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए क्लोजिंग बैलेंस यहाँ ऐड बहुत आता है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है 600 रुपये 45 पैसे है, तो हमारे वॉलेट में पैसे आ चुका। अब हम तत्काल टिकट अगर बुक करना चाहें तो आसानी से बुक कर सकते हैं, IRCTC ई वॉलेट सिलेक्ट करके पेमेंट बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल टिकट अगर बुक करना चाहते हैं तब भी ये अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है टिकट तो बुक करते समय जो है पैसे कट जाते हैं, बुक नहीं होता है, तो पैसे रिफंड होने में काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, 3 से 5 दिन लग जाते हैं, और ये वॉलेट में फट से आ जाएगा, जिससे आप दोबारा इस वॉलेट को मतलब इस पैसे को यूज कर सकते हो दोबारा टिकट बुक करने में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।